दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को चिंता में डालने वाली है। अब हमारे बीच छोटू दादा नहीं रहे। दोस्तों शूटिंग के दौरान छोटू दादा हम लोगों को छोड़ के चले गए। आखिर वो एक्सीडेंट था या फिर किसी का नजर का खेल था? जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाए। और मैं चाहूंगा कि फटाफट पूरा न्यूज आपको बता दें। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे भारत में छोटू दादा को कौन नहीं जानता है। कॉमेडी में नंबर वन छोटू दादा का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, YouTube पे छोटू दादा का वीडियो आते ही ट्रेंडिंग में आ जाता है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटू दादा का वीडियो को बच्चे से लेके जवान और जवान से लेके बूढ़ा आदमी तक सब इसे देखते हैं और इसको पसंद करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके वीडियो पे करोड़ों में व्यूज आता है और इसके वीडियो पे लाइक और शेयर भी काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को दर्द में डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छोटू दादा का सबसे पॉपुलर वीडियो बताया जाता है गोलगप्पा वाला, जिसपे 1 बिलियन व्यूज हो चुका है। भारत में बहुत ही कम वीडियो है ऐसे जिसपे 1 बिलियन व्यूज मिला है। लेकिन छोटू दादा का यह गोलगप्पा वाला वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि बहुत कम दिनों में 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया। दोस्तों बता दें कि छोटू दादा खानदेशी 200 मूवी में नजर आ चुके हैं। छोटू दादा का पहचान बहुत पहले से था, लेकिन जब यह कॉमेडी बनाना शुरू किया तो धड़ल्ले से इसे लोग जानने लगे। फैन फॉलोइंग इतना बढ़ गया कि इसे अब कोई भूल भी नहीं सकता है। वैसे आपको बता दूं कि छोटू दादा का YouTube पे कई सारे चैनल है जिसपे नजर आते हैं। JK इंटरटेनमेंट के अलावा 6-7 चैनल है उसपे छोटू दादा अपना कॉमेडी वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों अगर आप छोटू दादा का वीडियो पसंद करते हैं या छोटू दादा को जानते हैं पहचानते हैं तो हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है छोटू दादा को, इस दौरान हमारे बीच अब छोटू दादा नहीं रहे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक्सीडेंट होने के कारण जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि यह बिल्कुल ठीक है, कहीं इसके हड्डी में और इसे किसी तरह का तकलीफ ना हुआ है, अब यह शूटिंग कर सकता है और इसे कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही बड़ी खबर थी जो चिंता के विषय में आप लोगों को डालने वाला था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।